फलस्तीनी 56 साल से हब्जदा कब्जे का शिकार हैं। अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल भी फलस्तीन के हक में बोल पड़े। अक्वामे मुतहदा की सलामती काउंसिल का मशरिक वुस्ता पर सहमाही इजलास हुआ, जिसमें अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गजा में बैन अल-अक्वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि हमास के हमले खला में नहीं हुए। फलस्तीनियों को 56 साल से हब्जदा कब्जे का शिकार बनाया गया। एंटोनियो गुतरेस का कहना था कि हमास हमलों को फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा देने का जवाज नहीं बनाया जा सकता। गजा में बमबारी से अक्वामे मुतहदा के हमले के भी 34 अफराद हलाक हुए। फलस्तीनियों के तहफुजात हमास हमलों का जवाज नहीं हो सकते। अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गजा में भेजी जाने वाली इमदाद जरूरियात के समंदर में एक कतरे के मुतरादिफ है। गजा में इमदाद पाबंदियों के बगैर भेजी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे नाजुक लम्हात में उसूलों का वाज़ेह होना जरूरी है, जिसका आगाज शहरियों की हिफाजत और एहतराम के बुनियादी उसूलों से किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।